अयोध्या पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पूरा बाजार में सीएचसी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संतुष्ट वे दिखे। इस दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की कमी सिर्फ अयोध्या में ही नहीं पूरे प्रदेश में जल्द समाधान किया जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर कहा कि हमारा प्रयास है प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य की सुरक्षा हो और न केवल अयोध्या जनपद बल्कि पूरे प्रदेश के 75 जिलों में स्वास्थ्य को लेकर गंभीरता से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, आगे और बेहतर बनाने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा डॉक्टरों की कमी सिर्फ अयोध्या में ही नहीं पूरे प्रदेश में है। जो चिकित्सक अवकाश प्राप्त है उन्हें फिर से सेवा में लाने का अभियान सरकार ने चलाया है। आने वाले समय में ये सभी समस्याएं दूर होगी और ना डॉक्टर की कमी होगी, ना नर्सिंग स्टाफ की कमी होगी और ना ही पैरामेडिकल स्टाफ की कमी होगी। और प्रथम दृष्टया या ध्यान में आ रहा है कि लगभग जो जरूरी सुविधाएं किसी सीएससी पर होनी चाहिए वो यहाँ उपलब्ध दिखाई दे रही है। और हमारा प्रयास है प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य की सुरक्षा, और इस दिशा में न केवल पूरा बाजार, न केवल अयोध्या जनपद बल्कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में स्वास्थ्य को लेकर के बहुत गंभीरता से डबल इंजन सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और आगे हम इसको और बेहतर लगातार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टरों की कमी है बहुत सर। हाँ, डॉक्टरों की कमी यहाँ भी थोड़ी है, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की वो प्रदेश में उपलब्धता की समस्या है। हम लोग समझ रहे हैं जो हम लोगों के यहाँ ज़रूरत है उसके अनुपात में अभी थोड़ी संख्या कम है। सरकार अनेक प्रकार की कोशिश कर रही है, बहुत सारे चिकित्सकों को अवकाश प्राप्त करने के बाद उनको हम लोगों ने फिर से सेवा में लाने का यह भी एक अभियान चलाया है। लेकिन आने वाले समय में हमारे इतने मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हो रहे हैं कि न डॉक्टर की कमी रहेगी, ना नर्सिंग स्टाफ की और ना पैरामेडिकल स्टाफ की। सर यहाँ दवाइयाँ उपलब्ध होने की बाहर की दवाइयाँ, मैंने अभी देखा है अगर कहीं कोई ऐसी शिकायत आएगी तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा कोई करेगा तो वह जानता है कि हमारी सरकार की मंशा क्या है और मंशा के विरुद्ध काम करने के बाद क्या कार्रवाई हो सकती है। सिटी स्कैन मशीनों की सिटी स्कैन 2 महीने के अंदर लग जाएगी, प्रस्ताव चलेगा जिला अस्पताल में 2 महीने के अंदर स्थापित कर जा रही है, तो खुशी की बात है जिले के लिए। हम लोग लगातार दुखद है, वो नहीं होनी चाहिए, भीड़ अधिक हो गई थी तो ये घटना घट गई है, लेकिन ऐसी घटना को रोकने के लिए जो भी आवश्यक उपाय हैं भविष्य में किए जाएंगे, क्योंकि चाहे अयोध्या मथुरा काशी सहित सभी तीर्थ स्थलों पे भक्तों की भारी भीड़ आ रही है तो उसको लेकर जरूरी उपाय।